हेलो स्टूडेंट्स, हम लूप्स पर एक और प्रोग्रामिंग क्वेश्चन कर रहे हैं अब। और हमारा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। हमें ये चेक करना है जो भी नंबर हमने यूजर से लिया है वो नंबर प्राइम नंबर है कि एक नॉर्मल नंबर है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर आखिर होता क्या है। तो हमने बचपन में पढ़ा है स्कूल्स में कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो खुद से डिविजिबल होता है या फिर सिर्फ वन से डिविजिबल होता है, उसके अलावा किसी से नहीं होता है। और जीरो और वन प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। तो टू से स्टार्ट करते हैं। टू एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है और वन से होता है। थ्री एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो खुद से डिविजिबल होता है और वन से होता है। लेकिन फोर एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो खुद से टू से और वन से डिविजिबल होता है। फाइव एक प्राइम नंबर है। सिक्स एक प्राइम नंबर नहीं है। सेवन एक प्राइम नंबर है। एट नहीं है। नाइन नहीं है। टेन नहीं है। फिर इलेवन है प्राइम नंबर। फिर उसके बाद ट्वेल्व नहीं है। थर्टीन है प्राइम नंबर। और इस तरीके से हमारी प्राइम नंबर्स की रेंज चलती जाती है। तो अभी मैंने आपसे जो नंबर्स बताए हैं उनको पता करने का तरीका क्या हुआ कि क्या वो नंबर अगर डिविजिबल है बाय वन और वो नंबर डिविजिबल है बाय खुद से, दैट मींस अगर मॉड कर रहे हैं और वो इक्वल इक्वल्स टू हो रहा है जीरो के और उसके अलावा किसी भी नंबर से हम मॉड करते हैं तो उसमें हमारा रिमाइंडर आता है। जीरो नहीं आता है, कुछ और रिमाइंडर आता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी आता है, तो वो पर्टिकुलर नंबर क्या कहला रहा है? प्राइम नंबर। और मैंने एक और चीज आपको बोली कि जीरो और वन प्राइम नंबर तो नहीं है। तो कोई भी नंबर हम प्राइम समझें उससे पहले हमको एक लाइन और समझनी है, कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल कब होता है? कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल कब होता है? जब उसको डिविजर जो होता है डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर होता है वो जीरो होता है, राइट? जब भी हम कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो उस केस में यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है 5 और रिमाइंडर आ जाता है 0, तब जाकर हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर 10 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, राइट? अगर यहाँ पर हम 11 लेते फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता 1, तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, इसलिए हम बोलते कि 11 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, राइट? अब हम ये चेक करेंगे कि जो हम यहाँ पे नंबर हम चेक कर रहे हैं कि हमने फॉर एग्जाम्पल अगर हम 7 के लिए देख रहे हैं, 7 इज अ प्राइम नंबर, हम 7 के लिए देख रहे हैं हर एक नंबर को डिवाइड कर करके, हर एक नंबर को रिमाइंडर निकाल निकाल के मॉड कर करके 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यही है प्राइम नंबर की परिभाषा। 1 से मॉड करेंगे तो जीरो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। फिर 2 से मॉड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 1 आ जाएगा। 3 से मॉड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 4 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 5 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 6 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 7 से करेंगे तब जाके रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा। तो हमारे पास रिमाइंडर 0 सिर्फ 1 और 7 से जब हमने डिवाइड करा तब आया, तो अब जाके हमने इसको बोला ये है प्राइम नंबर। तो ये लूप रन हुआ है जिसमें हमने 1 से लेके उस नंबर तक, पर्टिकुलर नंबर तक हमने मॉड कर करके देखा है कि वो नंबर हमारा मॉड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। और अगर एक भी जगह एक बार भी वो किसी और से रिमाइंडर से, किसी और डिविजर से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और उसके बाद हमको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हम वहीं पर लूप को ब्रेक कर सकते हैं। अब 7 की बात हो गई, बट अगर कोई भी नंबर को हम जब डिवाइड करते हैं तो उसकी कंप्लीटली डिविजिबल होने की पॉसिबिलिटी कब तक रहती है? हम थोड़ी ना, अगर मैं बोल रही हूँ आपको 1126 को मुझे चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो क्या मैं लूप 1126 टाइम्स चलाऊंगी? नहीं, हमें कब तक चलाना है? सिर्फ उसको डिवाइड बाय 2 तक। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, 16 है हमारे पास, 16 को मैं डिवाइड करूंगी किससे? 5 से फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, तो ये 4 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 1 से डिवाइड करने पर क्या आएगा आंसर? 16/1, 16, 0, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। 16/2, तो यहां पर आ जाएगा 8, 16, 0, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। 16/3, यहाँ पर आएगा 15, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाया।
फोर से करेंगे तो हमने यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल कर ही लिया था फोर टाइम्स. फाइव से करेंगे 16, 15 थ्री टाइम्स आता है और यहाँ पे वन आ गया रिमाइंडर. सिक्स से करेंगे 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा टू टाइम्स और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा फोर. फिर सेवन से करेंगे हम 16, फिर डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा 14 टू टाइम्स और रिमाइंडर आ जाएगा टू. एट से करेंगे 16, तो यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन टू और 16 जीरो. फिर हम जब नाइन से करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, डायरेक्ट नाइन आ जाएगा क्योंकि नाइन इंटू टू ही 18 होता है. फिर उसके बाद 16 को 10 से करेंगे तो भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, 11 से करेंगे तो नहीं होगा. तो मैंने एक एक बार करके क्यों बताया, इससे हमें ये पता चला है कि 16 कम्प्लीटली डिविजिबल खुद से आधे नंबरों से ही होता है. भले ही वो 7 से नहीं हो पाया, 6 से नहीं हो पाया, 3 से नहीं हो पाया, 5 से नहीं हो पाया, लेकिन 8 तक वो कम्प्लीटली डिविजिबल था. 8 के बाद, क्योंकि 16 का हाफ 8 हुआ, 8 के बाद 16 कम्प्लीटली डिविजिबल किसी से भी नहीं रहा. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर खुद से हुआ 16 से डिविजिबल, राइट? तो हमें लूप पूरा नंबर तक चलाने की जरूरत नहीं है, हमें लूप सिर्फ और सिर्फ नंबर के हाफ तक चलाने की जरूरत है. तो चलिए अब इसका लॉजिक लिखते हैं हम. सर, इसका प्रैक्टिकल लॉजिक इस तरीके से हम लिखेंगे. सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एक वेरिएबल बनाना है नम नाम का, फाइन. उसके बाद में एक और वेरिएबल बना रही हूं काउंट नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू में दे रही हूं जीरो. इसका हमने क्यों बनाया है मैं आपको अभी बताती हूं. और नम लिया, काउंट लिया और हम आगे जाकर शायद एक लूप बनाने वाले हैं प्राइम नंबर के लिए, तो उसके लिए हमने एक और वेरिएबल ले लिया आई नाम का, फाइन. नाउ इसके बाद मुझे क्या चेक करना है, मैंने एक नंबर लिया, यूजर से ले लेती हूँ, वो नंबर की वैल्यू मैं कुछ भी दे दूंगी यहाँ पर, यूजर से ले लिया मैंने, राइट. इसके बाद मुझे सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी, जीरो और वन प्राइम नंबर नहीं होता है. तो अगर यूजर ने जीरो और वन दे दिया है तो उस केस में हमें यहाँ पे चेक करना है इफ नम इक्वल इक्वल्स टू जीरो और नम इक्वल इक्वल्स टू वन. अगर नंबर की वैल्यू जीरो है या फिर अगर नंबर की वैल्यू वन है, दोनों ही केस में कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो उस केस में हमारा यहां पर काउंट की वैल्यू हो जाएगी वन. काउंट की वैल्यू हो जाएगी वन. वैसे उसकी जीरो है काउंट की वैल्यू इनिशियली, बट अगर नंबर एंटर हुआ जीरो या वन तो उस केस में काउंट की वैल्यू हो जाएगी वन. हम आगे जाके इफ एल्स लगाकर, जैसे हमने आर्मस्ट्रांग नंबर में चेक करा था, वैसे हम आगे जाके इफ एल्स लगाकर ये चेक कर सकते हैं कि अगर काउंट की वैल्यू जीरो ही है तो वो एक प्राइम नंबर है, अगर काउंट की वैल्यू वन है तो वो एक प्राइम नंबर नहीं है. तो नहीं वाला एक केस तो हमने जीरो और वन के लिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया. अब हम बात करेंगे बाकी के नंबर्स के लिए, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एक लूप, फॉर लूप. अब जब हमने जीरो और वन देख ही लिया है तो हमारा लूप हम किससे स्टार्ट करेंगे, टू से स्टार्ट करेंगे. सो आई इक्वल्स टू टू. अब ये लूप कहाँ तक जाएगा, दैट मीन्स आई को हम बार बार डिवाइड करके देखेंगे, नंबर से मॉड करके देखेंगे कि क्या रिमाइंडर जीरो है कि नहीं है. लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, अभी मैंने आपको बताया नंबर के हाफ तक. सो आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू नम डिवाइड टू. ओके, इसके बाद आई प्लस प्लस हो रहा है, फाइन. अब इस लूप के अंदर हम चेक कर रहे हैं इफ, हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं, इफ नंबर मॉड आई इक्वल इक्वल्स टू जीरो. अगर नंबर मॉड I इक्वल इक्वल्स टू है जीरो तो उस केस में क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है. तो अगेन काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट इक्वल्स टू वन, फाइन. क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर नंबर जो है हमारा डिवाइड हो पा रहा है कंप्लीटली किसी भी आई की वैल्यू से, दैट मींस वो क्या हो गया है, वो पर्टिकुलर नंबर प्राइम नंबर नहीं है और इसलिए हमने काउंट की वैल्यू क्या कर दी है, जीरो कर दी है. और ये अगर हो जाता है तो उस केस में हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट ब्रेक. तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं लूप ब्रेक हो जाएगा.
क्योंकि उसके बाद हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर टू पर ही फॉर एग्जाम्पल 10 होता, अगर 10 नंबर हमने दिया होता यूजर ने हमको, तो हम 10 mod 2 करते तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, काउंट इक्वल्स टू 1 हो जाता। फिर 3 से 4 से 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इतना लूप चलाने की जरूरत नहीं है, हम उसको वहीं पर ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे लूप क्लोज हो गया। अब हम एक नॉर्मल सी इफ कंडीशन लिखेंगे जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि इफ काउंट इक्वल इक्वल्स टू है क्या 1 के, तो उस केस में प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। एल्स पार्ट में अगर वो 1 नहीं है तो 0 है, तो एल्स पार्ट में हम लिख सकते हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज अ प्राइम नंबर। और ये यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हम लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं हमारे प्राइम नंबर का। चलिए इसको अब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। सो हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट हेडर फाइल, मेन फंक्शन। अब हमारे यहां पे हम बनाएंगे वेरिएबल्स, तो नम नंबर के लिए काउंट इक्वल्स टू 0, फिर उसके बाद हमने आई वेरिएबल बनाया था इटरेशंस के लिए, राइट। CLRSER printf enter a number, scanf percentile d number। पहली कंडीशन हम चेक कर रहे हैं इफ नम इक्वल इक्वल्स टू 0 और नम इक्वल इक्वल्स टू 1, उस केस में काउंट इक्वल्स टू 1। अब हम लिखेंगे फॉर लूप जिसमें हमारा आई स्टार्ट हो रहा है 2 से, आई लेस देन इक्वल्स टू है नम डिवाइड बाय 2 तक, फिर उसके बाद है हमारा आई प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर यहां पर एक इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम, जिसमें हम चेक कर रहे हैं नम मॉड आई इक्वल इक्वल्स टू है 0। अगर ऐसा है तो हम काउंट की वैल्यू वापस 1 कर रहे हैं और हम स्टेटमेंट ब्रेक यहां पर लिख रहे हैं। अब यहां पर एक इफ एल्स बनाएंगे जिसमें हम चेक करें इफ काउंट इक्वल इक्वल्स टू 0 है, सो प्रिंट एफ एंड प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज अ प्राइम नंबर। एल्स प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज नॉट अ प्राइम नंबर। गेट सी एच, इसको हम सेव कर देंगे, हम इसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। एंटर अ नंबर 17 लेते हैं, 17 इज अ प्राइम नंबर। नॉन प्राइम के लिए चेक करते हैं अब हम 40 ले लेते हैं, 40 इज नॉट अ प्राइम नंबर।
सो इस तरीके से हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइम नंबर पता करने के लिए।